अरे प्यारे पता मम्मा, नजर न लगे हाँ। हम दोनों के प्यार को ये किसी की। बाग गए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी ग्रीन टी के साथ। चाय पिला दो। अरे ना रुको, थोड़ा काली मिर्च लानी पड़ेगी। आई हूँ, तुम्हारा गला खराब है, उसके लिए काली मिर्च चाहिए। उसके लिए मैं हर्षो को भेज देता हूँ। हर्षो के साथ पहले जाऊंगी। ठीक है ठीक है, देखो कुछ और भी लाना है। हाँ। ठीक है फिर। सुनो तुम आलू के पराठे बनाओ, मैं थोड़ा आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि मेरा गला खराब है ना। मैं थोड़ा बैडमिंटन खेलता हूँ, थोड़ा एक्टिविटी होगी, हो सकता है बॉडी गर्म हो। सो गाइस, आज काफी दिनों बाद मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। जेरी नहीं, तुम नहीं खेलोगे? हम खेल रहे हैं बैडमिंटन। भाई क्यों कह रहे हो, कहीं जा तो ना रहे इंटरनेशनल लेवल पर। बताओ कौन जीतेगा? लास्ट में लास्ट में तो पता चल ही जाएगा। मम्मी क्या करती है, आईपीएल में भी ये कहती है कि लास्ट में बताऊंगी मेरी टीम कौन सी है जब जीत जाते हैं। यहाँ ना ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैं गाड़ी को थोड़ी देर खुला ही छोड़ता हूँ सुबह सुबह। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद खेलते हैं बैडमिंटन। ठीक है टीटो। कामनी उठ जा, गुड मॉर्निंग। कितने बज गए, टाइम कितना हो गया? 11 बज गए। तो सोई अभी तक? घोड़े बेच के सोई थी, पूरा तबेला बेच दिया था आज। बस सपना आया। क्या देख रही थी, कोरियन को? नहीं, मैं देख रही थी, मैं कहीं शॉपिंग पे गई थी और मैं चुपके चुपके, मतलब वहाँ कॉलोनी है और वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, मैं चुपचाप कैसे चोरी कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा है। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस और बार्बी। शाबाश, चोरी चकारी देखना। जा रेडी हो जा, खाना खाने के लिए आ जा। मैं सब चोर भी लिया था, चेक करने वाले को पता भी नहीं चला, और मैं जा रही थी, आपने उठा दिया। क्योंकि तेरे को पकड़ लेते उस समय सपने में, इसलिए मैंने तेरे को उठाया। तो मैं आई हूँ अभी हर्षु के साथ सामान लेने के लिए। सामान मैंने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। और कोहरा इतना ज्यादा खतरनाक लगा है कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने के बाद जब बर्फ पड़ जाती है ना, या बर्फ पड़ रही होती है उस वक्त जैसे कोहरा लगता है। ओए ओए, नहीं नहीं, टीटू के डर से क्या क्या हो जाता है। टीटू क्यों क्यों आखिर? नहीं टीटू प्लीज नहीं। बाग गए हैं। हाँ वो आंटी कहते रहती है ब्लड के निशान जहाँ से मैंने हरी मिर्च ली, बट वो सच में ब्लड के ही निशान होंगे। पहले तो एक बार दिल बाग ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं हल्द्वानी कटघरिया के? उनको धमकी भी तो मिली थी एक बार। यार उन्होंने वर्क करना चाहिए। देखो चीफ मिनिस्टर ने कहा था, किसी ने कहा था कि अगर एक भी अब पर्सन की डेथ होगी तो जितने भी है सभी को निकाल देंगे। वो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं वहाँ पे, वो कैसे, उनको कितना डर लगता होगा रोज। पहले तो इनको रखना पड़ेगा, एक कुत्ते को मार रखा है, अंदर रखना है। जंप करेगा बेबी। इनमें से एक तोता ले आती हूँ घर आज, ये रहने देगा उस तोते को? रहने तो दी, गनी है गंजी बच्ची। तो फाइनली खाना आ चुका है, मिले लो वाला है ना, लो घी वाला। ठीक है ठीक, तुम भी खाओ, आ जाओ। वाह मजा आ गया। हाँ। बस और ये कड़कड़ाती भी चाय, कड़कड़ाती कड़क कड़क चाय, जाड़ों में चाय ना हो रहा। तो बस अब हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एक ट्रिप है जो हम प्लान करेंगे जल्दी, बट वो हनीमून ट्रिप नहीं है क्योंकि अभी पासपोर्ट नहीं आया है। पासपोर्ट आने वाला है 15 दिन बाद। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। मम्मी को ठंडा हो रहा था, मैंने अपनी जैकेट दे दी है, ये मैंने सिमनामा में नहीं दे, एकदम भयंकर ठंडा हो गया, गर्म होगा। इससे भी अगर ज्यादा ठंडा होगा तो मेरे पास लद्दाख वाली भी है। लद्दाख वाली में तो तुम कहो यार, अब लग रहा ठंडा, बताओ एकदम मिलिट्री वाले बना दे तुम्हें। गुस्सा कर रहा है, गुस्सा मेरी पहुंच में छू गया। इस घर में सिर्फ मुझसे डरता है, मम्मी को से तो डरता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता। एक ही बैठा दे कुछ यूट्यूब, दोस्ती हो गई, दोस्ती। मम्मी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है ना। हाँ यार, मेरे बेटे ने मेरे को कोट ये पहना लिया, अच्छा किया। ये वही वाला कोट, टोपी टोपी पहनोगे? इसमें टोपी नहीं है, टोपी नहीं पहनते। ये वही वाला कोट है, कुछ नहीं। स्कार्फ भी नहीं ओढ़ते हो? भारी लगता है सर, मैं पहनती नहीं, सर दर्द होती है मेरे। स्कार्फ भी नहीं? मम्मी के लिए लेडीज वाली टोपी लानी है। लेडीज वाली टोपी? नहीं नहीं, टोपियां बहुत है, पहनती कहां मैं, नहीं पहनती हूं। हां मेरे को उलझन लगता है टोपियों में, ठंड बहुत है। बट बर्फ इतनी ज्यादा पड़ जाती है ना, तब ऐसी ठंड होती है हमारे उधर। क्या पता पड़ गई हो नैनीताल में, यहाँ से तो हो सकता है। और साल क्या होता था ना, यहाँ अगर बारिश हो जाती थी तो यही से छत से ही नैनीताल दिख जाता था बर्फ का। हाँ छत से दिख जाता है, बट आजकल कोहरा भी तो लगा है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। तुम क्या मांग रहे हो? गुलाब की पत्ती खा गया क्या? गुलाब के पत्ते नहीं, एक हम लोग आधे घंटे से लगे पड़े हैं। मम्मी की फोटो खींची मैंने जेरी के साथ और अपनी खींची, दिखाओ मैं तेरे को। देखा ये देख, ये मम्मी की है। वाह
मम्मी के साथ ऐसा और मेरी दिखा मम्मी फोटो कितनी सुंदर आई है आपकी ये देख मेरे देख मेरे को गुलाब दे रहा था ये वो ओ कितना प्यारा लग रहा है कितनी मुश्किल से खींच के वो देखो वो खींच नहीं दे रहा वो देखो वो ऐसा कर रहा ठीक है मम्मी ध्यान रखना अपने आते हैं वीडियोस बना के ठीक है सामने के दांत का भी करा देते हैं ना दांत का चुड़ुंग मुड़ुंग जो खाए वो खिला देना क्योंकि उसे 7 दिन तक इसने खाना नहीं है बेचारी ने शिबोल है क्या होगा इसका प्रोटीन भरा वाला खिलाना ना जो 7 दिन तक पेट मार के रहे ठीक है तुमने हमें गुलाब दिया हमने तुम्हारी याद में उस गुलाब को जमा दिया देखो दोस्तों जब जो मेरी दोस्त लक्कू ने मेरे को गुलाब दिया था ना जब हमारे घर आओगे तुम्हें इसी गुलाब को गिफ्ट करेंगे ये मेरी दोस्त को है वैसे जिसने मेरे को ये गुलाब दिए थे बस मानना पड़ेगा मम्मी ने ये गुलाब उगा दिया मम्मी कैसा लग रहा है काम सही हो गया तेरी टीथ का ये हल्द्वानी में चंद्रा डेंटल केयर से इसका टीथ का काम करवा दिया है इसके टीथ में जो प्रॉब्लम थी ना वो फिलिंग करवाई थी एक डेंटिस्ट से उन्होंने क्या किया नर्व तक फिलिंग कर दी नर्व तक तो वो फिलिंग की वजह से इसको बहुत पेन हो रहा था रोज रोज वो तो लकीली हल्द्वानी में मनोज जोशी जी एक डेंटिस्ट है चंद्रा डेंटल केयर वाले इन्होंने अच्छे से कर दिया मेरे को मम्मी जी ने और हर्षु ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आके इसका दांत का काम करवाना तो ये डेंटिस्ट है इन्होंने किया इसका ठीक ठीक थैंक यू सो मच अच्छा आपने इसको इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया अदरवाइज तो उसको बहुत पेन होता था रोज अच्छे सपोर्टिव पेशेंट है हाँ इवन आपका स्टाफ भी बहुत ज्यादा अच्छा है कामिनी के टीथ का काम तो हो गया बट यहाँ पे इतनी देर से ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं हेलो आप लोग वेट कर रहे थे मेरा थैंक यू सो मच अभी मैं आई हूँ अपने फ्रेंड केतन भैया और पूजा दीदी के पास और उनका एक प्यारा सा बेबी है जो मुझे देख रहा है ये पहले मुझे देख के रो गया ये मेरे जो कपड़े हैं ना ये जो वो कार्टून्स में सिंड्रेला कार्टून्स में विच नहीं होती वैसे वाली कोट्स पहन के आई हूँ उसको लग रहा है सपनों में तो मैं परी देख रहा था और रियलिटी में चुड़ैल कहाँ से आ गई अब वो देखा है तब से मुझे बेबी पापा से पूछ रहा पापा ये आखिर है कौन एंड ये है मेरी डियर फ्रेंड पूजा दीदी ये है मेरी प्यारी मेघू और ये बहुत अच्छी राइमिंग करती है इनका जोशी स्टोरीज करके शॉर्ट वीडियो मैंने भी पोस्ट किया था इनकी हल्दी की बनाई थी और शादी की भी पूरे शादी के दौरान ये मेरे साथ ही थी और ये तब से मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हुई है अब वो तब से वेट कर रही थी कि अब आएगी मेघा फिर मैं इसको दूंगी मैंने तो सोचा कि ये अब मेरे को ऐसा लगा कि 2-3 महीने अगर ऐसे निकल जाएगी तो क्या पता मुझे ही यूज करना पड़ेगा ये अब अगली एनिवर्सरी में कुछ छोड़ दे देंगे अरे आप इसको मैं तो कह रही थी इसको रख देते मेरे नेक्स्ट बर्थडे में देते या फिर यूज कर लेते नहीं, नहीं, अब मैं आज सडन मिलने आई दीदी को गिफ्ट तो, सबसे पहले गिफ्ट याद आ रहा है वो देखोगे ना मतलब अगर मेरे पास हाँ तो तुम कहोगे कि नहीं गिफ्ट मतलब रास्ते में गई थी यार वहाँ गिफ्ट हाँ झूठ बोल रहे हैं झूठ लेना है संदीप जी क्या कह रहे हैं हम सिर्फ गिफ्ट लेने आए हैं कितने गंदे हैं ऊपर से मैं खाली और कुछ लेना था तुम माय गुडनेस वाओ थैंक यू सो मच फॉर दिस लिप ग्लॉस आ जा आ गया शाबाश बेबी बाय बेबी बाय बाय टेक केयर बाय बाय करो बाय बाय क्या कर रही है दीदी उसको ठंडा लग रहा है उसको बिछा देते हैं सो जा सो ले कोड़े में सोया है तो उसको थोड़ा उसको सो जाएगा ना अभी मेरे पास कम्बल भी नहीं है कम्बल होता तो मैं वो रख देती अब यहाँ पे कार पार्किंग की जगह में कम्बल जो तुमने पन्निया रखी वो भी गर्म ही है कम से कम उसको ठंडा नहीं लगेगा कम से कम उसमें सो जाएगा वो बेचारा तो अभी हम पी रहे हैं गर्मा गर्म सूप इन्होंने तो एक्स्ट्रा काली मिर्च वाला मंगवाया है क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा तो मैंने नॉर्मल ही मंगाया है वैसे मैं ज्यादा काली मिर्च वाला पसंद नहीं करता पर अभी गले की हालत जो हो रही है ना मैं चाहता हूँ मेरे बर्थडे तक ठीक हो जाए सब कुछ बर्थडे आने वाला है क्योंकि और मैं बर्थडे में अगर कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ ठंडा नहीं पीऊंगा तो मजा नहीं आएगा मैंने तो इनको कल रात भी वो पिलाया था खिलाया था अदरक काली मिर्च और शहद जिससे हमेशा ठीक हो जाता था बोलने में ऐसा हो रहा है जैसे कांप रहा हूं हर एक चीज ट्राई कर ली देखो कफ सिरप भी ट्राई कर लिया इस बार पता नहीं क्या हो गया पहली बार हो रखा ऐसा मेरे साथ मत परेशान होना जैसे बोल रहा हूँ ना ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कांप रहूंगा अभी आप परेशान मत हो सूप पियो मेरी बहन ने मंगवाए हैं ये कुरकुरे मोमोज ट्राई करती हूँ कैसे यहाँ गुस्से में पहुंच जाता कह रही है मेरे कुरकुरे मोमो खा गई दीदी खाना पीना हो गया है सुनो ना अभी एक बार मुझे चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री लेनी है वहाँ ले चलोगे मैं भी ले जाऊंगा हाँ कल भी कहा था तुमने मेरा बहुत बहुत मन कर रहा है खाने का
मैं आज मेरा मन कब से तुम्हें वहाँ से खिलाऊं पर मैं रोज भूल जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेबी, बस आप ठीक हो जाओ, बस आप ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज भी आपको काढ़ा पिलाऊंगी। हेलो पापा। हाय बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। आप बहुत अच्छे लग रहे हो उस पहाड़ी कुमाऊनी टोपी में। और बताओ। बस बेटा, कैसा बेटा। रहा आज आपका दिन? बेटा बहुत अच्छा रहा। अभी थक गए होगे ना बहुत ज्यादा? बेटा हाँ, था थकान तो लगी जाती है। हाँ। क्योंकि आजकल छोटे दिन होते हैं ना। हाँ। समय का पता नहीं चलता है। ठंडा हो गया। ये मैं लेकर आई हूँ, ये घर घर करते हैं। दीप और मैं अलग से अपने लिए शाही पनीर बनाने वाले हैं। शाही पनीर? हाँ। खाओगे मम्मी आज मेरे हाथ का? मेरी बबू बनाएगी तो मैं खाऊंगी खाऊंगी। थैंक यू प्यारी मम्मी। आज पराठे कैसे लगे आपको? बहुत टेस्टी लगे। कल फिर अपने बच्चों के तो पत्थर भी अच्छे लगते हैं। अरे प्यारी मम्मा, नजर न लगी हम दोनों के प्यार को देखी। कल मैं आपके लिए सैंडविच बनाऊंगी अगर मैं जल्दी उठ गई तो। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं हल्के हल्के। बेटा ये मेरे खुशी के आंसू हैं क्योंकि मेरी प्यारी बहू जो है अभी खाना बनाने वाली है और इसलिए मेरे को जो खुशी के आंसू आ रहे हैं। ओ पापा, आप आज सुबह जल्दी चले जाते हो ना, 5 बजे 4 बजे, वरना मैं आपको पराठे खिलाती। कोई नहीं बेटा, कल जो है तुम मेरे लिए पराठे बना के रखे रहना। हाँ। मैं 3:30 बजे घर पहुंच जाऊंगा फिर खा लूंगा। ठीक है ओके बेटा। प्याज काट दे, जिस दिन मैं पनीर बनाता हूँ ना उस दिन देख मेरी दोस्त आ जाती है। कौन दोस्त है वो देख? अच्छा बिल्ली, उसको पनीर चाहिए होता है, जब भी पनीर बनता है आ जाती है। वो कह रही है मुझे खिलाओ, मुझे बुला रही हो। हमेशा आती हो? अच्छा मैं दूंगा उसको एक आध पीस। ठीक है पापा, काटे ना है, कुछ कह रही है। पापा काटेगी, छोड़ दो उसको बाहर, अंजा लगा देगी वो पालतू बिल्ली। तो नहीं वही तो, गरारा करोगे? चलो गरम पानी का पहले गरारा करो, यहाँ तक तो ठीक है, इसके अंदर ही गरारा करते। आ जाओ पहले गरम पानी का गरारा। बेबी काढ़ा बना दे, मैं पीछे हूँ। पापा ने कहा है, ये पापा का ऑर्डर है मेरे लिए। पापा आपने मुझसे कहा था ना संदीप जी को गरारा करवाना है। गरम पानी के रूम पे, और सबसे बढ़िया ना रूम ही लगता है चाहे कुछ हो जाए। मैंने इसको सजाने के लिए तो काफी सारी चीजें रख रखी हैं। एक चीज मेरे को और पसंद आई थी ना, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा वो सफेद रंग का कुत्ता, अभी भी वो गंदा ही हो रखा है, तो मैं उसको लेके नहीं आया हूँ। जल्द अगर वो सही हो जाएगा मैं उसको लेके आऊंगा। और एक यूनिक सी चीज दिखाऊं, ये देखो ये बड़ा प्यारा लगता है, ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। किसका? ऐसी लेके आए ब्लूबेरी चीज़केक। ये मेरा था। किसका बर्थडे है? किसी का नहीं, ऐसी हमने देखा एक कैफे में जाते थे, वहाँ टेस्टी सी ये मिलती थी चॉकलेट टफल केक। भोलू ने कहा कि कैसी होती है करके, वहीं से जहाँ से वो मंगाते हैं वहीं से ऑर्डर कर ली इसने, बहुत टेस्टी होती है। गाइस हम दिन में प्लान कर रहे थे ही ट्रैवल का, अब हमने वो प्लान कर दिया है और मैंने कर दिया। इन लोगों को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का पैकेज आ रहा है 80,000 रुपए का खाली बाय फ्लाइट, इतना महंगा पता है तुम लोग। और लक्षद्वीप तो भर चुका है पूरा। मैं सोचा था लक्षद्वीप चलते हैं, पर लक्षद्वीप जो पूरा भर चुका है तो मैं अभी जाना बेकार है, फिर जाऊंगा लक्षद्वीप। आज तो सबकी ही तबीयत खराब थी, बट मौसम ही ऐसा हो रहा है आजकल, इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है और हल्द्वानी में तो 30 डेज के बाद फिर गर्मी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अपना ध्यान रखना, सर्दी से बचना, टोपी और सॉक्स हमेशा पहन के रखना।